हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 12 अक्टूबर 2023 की। इस लेक्चर के फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी, जिसकी लिंक मैंने बिल्कुल लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वो फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट बना सकते हैं, है ना। ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन डिजिटल सॉल्यूशंस। और आपके ऑप्शंस हैं तंजानिया, केन्या, पपुआ न्यू गिनी या फिर मैक्सिको। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पपुआ न्यू गिनी के साथ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन कोऑपरेशन इन शेयरिंग डिजिटल सॉल्यूशंस। ओके, और कैबिनेट के चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। ओके, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ है मीति, या फिर हम लॉन्ग फॉर्म में बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच इंडिया की तरफ से, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर हम बोले ICT, ये पपुआ न्यू गिनी की साइड से। ठीक है, इन दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो अब हम जान लेते हैं पपुआ न्यू गिनी के बारे में। देखिए, ये है मैप, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पपुआ न्यू गिनी। इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरसबी, ये देखिए कैपिटल है पोर्ट मोरसबी। यहाँ पे आप सोलोमन सी देख रहे होंगे, है ना। इंडोनेशिया, ये आप देखिए, ये इंडोनेशिया है। ठीक है, ये इससे ये अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आप कहीं भी देखिए, कोई और ऐसी कंट्री नहीं है जिससे कि पपुआ न्यू गिनी अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, बट देयर इज ओनली वन कंट्री विथ विच इट शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर, एंड दैट्स इंडोनेशिया। ओके, एंड ऑन इट्स ईस्ट देयर इज सोलोमन आइलैंड, एंड दिस इज नोन एज सोलोमन सी, एज यू कैन सी हियर, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। पपुआ न्यू गिनी इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। ओके, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है पपुआ न्यू गिनी के? तो वो हैं जेम्स मराप्पे। ठीक है, ओके। चलिए अब इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये जो होते हैं ना चीजें, ये आपको इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि जो मेंस होता है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने इसकी डिटेलिंग भी यहाँ पे लिख दी है, ताकि आप मेंस की प्रिपरेशन जब कर रहे हो इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो आपको इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है उसके की पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। जैसे पहला है, द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटेंड्स टू प्रमोट क्लोजर कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज बेस्ड सॉल्यूशंस इंडिया स्टैक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव ऑफ बोथ द कंट्री। इन शॉर्ट हम बोले तो दोनों कंट्रीज के बीच में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और बढ़ाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए ये साइन किया गया है MOU। द MOU शैल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज एंड शैल बी रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब कि जब इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हो जाएगा दोनों कंट्रीज के साथ, तो ये 3 साल के लिए मतलब वैलिड होगा। 3 साल तक ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वैलिड होगा। इसकी वैलिडिटी कितने साल की है? 3 ईयर्स की। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे इन दोनों के बीच जो MOU साइन हुआ है उसके बीच। ठीक है, जो कि आपको मुझे लगा बहुत ज्यादा जरूरत है IR के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट हैज अप्रूव द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। देखिए, वहां पे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन था, ठीक है, यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात की जा रही है। दो कंट्रीज अलग अलग हैं जिनके साथ इंडिया ने ये MOU साइन किया है। द फर्स्ट वन वॉज पपुआ न्यू गिनी, एंड दिस वन इज, योर ऑप्शंस आर UK, जर्मनी, फ्रांस और इटली। सो दिस कंट्री इज फ्रांस। ओके, इंडिया हैज साइन MOU विथ फ्रांस ऑन दिस टॉपिक। ओके, ये है इस MOU के कुछ इंपॉर्टेंट
डिटेल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. द एमओयू इंटेंड्स टू प्रमोट क्लोजर कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड विल म्यूचुअली सपोर्ट ईच पार्टिसिपेंट्स गोल टू प्रमोट एसेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी इन देयर कंट्री इन अकॉर्डिंग विद द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये इतना डिटेलिंग है. इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं तो ये दोनों कंट्रीज डिजिटल टेक्नोलॉजीज में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी, एक दूसरे की आइडियाज को शेयर करेंगी. ये इसका मेन पर्पज है. ठीक है, अब मैं आपको फ्रांस के और इंडिया के बारे में बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होता है. इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस इंडिया और फ्रांस के बीच में जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं उसमें सबसे पहले है एक्सरसाइज गरुण. ये एयरफोर्स के साथ, दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स कंडक्ट करती है एक्सरसाइज गरुण. देन एक्सरसाइज वरुण. वरुण तो वरुण मीन्स वॉटर मीन्स नेवल एक्सरसाइजेस ऑफ बोथ द कंट्रीज. देन एक्सरसाइज शक्ति. ओके, और एक और एक्सरसाइज है जो हर जगह हम नहीं पढ़ते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा दे रही हूं. वो है फ्रिंजेक्स, FRINJEX. फ्रिंजेक्स. फ्रिंजेक्स मीन्स एफ आर फॉर फ्रांस, आई एन फॉर इंडिया. तो फ्रांस इंडिया, जे फॉर ज्वाइंट और मिलिट्री एक्सरसाइज. ठीक है, फ्रांस इंडिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका ये फुल फॉर्म है. ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और कैपिटल है पेरिस. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. मेरा युवा भारत विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ऑटोनॉमस बॉडी या फिर नन ऑफ द अबव. तो दोस्तों ये जो है मेरा युवा भारत है ना, इसको आप देख रहे हो, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी. क्या होगी? ऑटोनॉमस बॉडी. तो आप सोच रहे होगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड एन ऑटोनॉमस बॉडी. सो वेरी सिंपल दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में जिस बॉडी के बारे में मेंशन है हमारे, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं. वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, वेरी बेसिक. स्टेट्यूटरी बॉडी मीन्स जो पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, लॉ के थ्रू बनाई जाती है पार्लियामेंट के, उसको स्टेट्यूटरी बॉडी कहते हैं. और ऑटोनॉमस बॉडी मीन्स गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बॉडी को बनाती है और इस बॉडी के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये अपना डिसीजन ले सकती है, कुछ भी डिसीजन ये ले सकती है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल RBI, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है. SEBI, ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेट्यूटरी बॉडी और ऑटोनॉमस बॉडी के बीच. तो ये जो है मेरा युवा भारत, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी. हु हैज लॉन्च्ड इंटेलिजेंस ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम? एस जयशंकर जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राजनाथ सिंह जी या फिर अनुराग ठाकुर जी. तो दोस्तों आपको इसको देख के समझ में आना चाहिए कि ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर. चलिए मैं आपको 5 सेकंड दे देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी. ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा. जो भी वो ग्रीवेंसेस होते हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उनको ये मॉनिटर करेगा ये सिस्टम, इसलिए इसका फुल फॉर्म ही है इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम. ओके, देखिए अभी हमने पढ़ा था G20 के बारे में. हर जगह, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, बनारस रह रहे हैं, मतलब जो इतने ऐसे शहरों में रह रहे हैं जहां पे G20 कंडक्ट किया गया होगा, तो आपने देखा होगा कि आपकी पूरी सिटी जो है, वो पूरी सिटी को इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था क्योंकि G20 हो रहा है. प्लस अब क्या है, यहाँ पे P20 की बात हो रही है. ठीक है, अभी मैंने 2 दिन पहले ही P20 से रिलेटेड न्यूज को बताया था कि ये कब से कब तक होगा, अब उसके बारे में है. और चलिए इसका क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि किसके बारे में पूछा गया है. 9th P20 समिट ऑन मिशन लाइफ विल बिगिन एट मुंबई, न्यू दिल्ली, राजस्थान, वाराणसी. ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए P20 स्पीकर समिट है. क्या है? पार्लियामेंट्री समिट है. इन शॉर्ट स्पीकर्स, पार्लियामेंट मतलब स्पीकर्स यहाँ के जो हैं,
इन 20 नेशंस के वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे, और इन 20 मतलब G20 मेंबर्स के अलावा और कौन कौन यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो 10 अदर कंट्रीज प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं P20 में, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन P20 समिट, तो ओनली 20 मेंबर्स ऑफ द G20 नेशंस, तो नहीं ये गलत हो जाएगा, बल्कि होगा 20 मेंबर्स ऑफ द G20 कंट्रीज प्लस 10 अदर मेंबर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये शुरू कहाँ पे होगा, बिगिन कहाँ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली यशोभूमि में, कहाँ, यशोभूमि, ओके। और ये 13 to 14 अक्टूबर चलेगा, ये देखिए यहाँ पे डेट भी है 13 to 14 अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेटजीज डिस्कस की जाएंगी ताकि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को और एडवांस बनाया जा सके और क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर किया जा सके, क्योंकि आप यहाँ पे लाइफ देख रहे हैं, लाइफ का फुल फॉर्म जो है वही है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ओके। और पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम इस इवेंट को अटेंड करेंगे, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी के लिए। ये पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट है उनका ये फर्स्ट इवेंट होगा जो कि वो अटेंड करेंगे इंडिया में, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। IMF हैज रेस्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 2024 टू 5.8%, 6.8%, 6.3% या फिर 7.3%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सोचिए क्या होगा, वैसे मैंने ऑप्शन लिख ही दिया कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6.3%, ठीक है। IMF ने बोला है कि फिस्कल ईयर 2024 के लिए इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 6.3% होगी, तो ये IMF ने बोला है, तो हम जरा IMF के भी बारे में जान ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए बिल्कुल बोर नहीं हो ना, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करंट अफेयर्स को हेडेक लेके पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, और अगर आप करंट अफेयर्स को एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्यों, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक पार्ट भी पढ़ाया जा रहा है ना। तो चले अब IMF के बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ है ये, IMF, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1945 आफ्टर ब्रेटन वुड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी फॉर इकोनॉमिक सेक्शन, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है, सो इट्स रिलेटेड टू IMF, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है Washington DC में। करंट IMF मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो वो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, ये हैं इसकी इसकी करंट IMF मैनेजिंग डायरेक्टर। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, सी जो रिपोर्ट्स होती हैं उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह IMF ने जो इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट करी है 6.3%, ये इसकी कौन सी रिपोर्ट में मतलब आया है, कौन सी रिपोर्ट में रिलीज हुआ है, तो वह है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। और वही दूसरी इसकी रिपोर्ट जो पब्लिश होती है उसको कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट आपको याद होनी चाहिए कि ये IMF रिलीज करता है, ठीक है। कौन रिलीज करता है, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ आपको इसके अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज जो मैं PDF प्रोवाइड कर रही हूँ आप सुबह सुन लिया करो, और रात में सोने से पहले या फिर अगर आप रात में पढ़ते हो तो जब भी आप सो तो सोने से पहले एक बार वो PDF को ओवरलुक कर लिया करना, ठीक है, वो सारी चीजें दिमाग में ना फीड हो जाएंगी आपको। हु हैज लॉन्च द ट्रेलर ऑफ क्रिश ट्रिस्ट बाल्टी बॉय भारत है, नरेंद्र मोदी जी, अमिताभ बच्चन जी, स्मृति ईरानी जी या फिर अनुराग ठाकुर जी। तो आपको ये इमेज देखी रही होगी,
आपको आंसर पता ही चल गया होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुराग ठाकुर जी। ठीक है, ये एक एनिमेटेड सीरीज है जो क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत हैं हम, ये क्या है, ये एक एनिमेटेड सीरीज है, आप ये देख रहे होंगे है ना, एनिमेटेड सीरीज है। इसको 19 languages में रिलीज किया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस दिस सीरीज विल बी लॉन्च्ड और विल बी रिलीज, तो 19 languages। ओके, 52 episodes होंगे, 11 minutes ईच, जहाँ 1500 to 1947 मतलब कि 1500 AD से लेके 1947 AD तक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टोरीज को दिखाया जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं किसके बारे में, ये है खुदीराम बोस के बारे में। तो जो भी इम्पोर्टेंट इंडियन फाइटर्स हैं या फिर जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया या बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इतने सालों में, उनके बारे में पर एपिसोड कुछ ना कुछ स्टोरीज दिखाई जाएंगी, शॉर्ट स्टोरीज जो सिर्फ 11 मिनट्स की होंगी। ठीक है, और इसको क्रिएट किसने किया, ये जो सीरीज है इसको बनाया किसने है, तो वो है मुंजल श्रॉफ, मुंजल श्रॉफ एंड तिलक राज शेट्टी, मुंजल श्रॉफ एंड तिलक राज शेट्टी। ठीक है, इन्होंने इस सीरीज को क्रिएट किया है, और इसको लॉन्च किसने किया इसके ट्रेलर को, तो वो है अनुराग ठाकुर जी। हु बिकम्स रिचेस्ट इंडियन ऑन हुरून लिस्ट, आपके ऑप्शंस हैं गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या फिर आदित्य बिरला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। अभी हमने न्यूज में देखा था कि काफी टाइम से, मतलब कुछ महीनों पहले ही हमने देखा था कि गौतम अदानी जो हैं वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे है ना, फिर उसके बाद उनको लॉसेस हुए, वो सब एक स्टोरी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ कि कैसे क्या हुआ था। तो उनको लॉस हुआ जिसकी वजह से अब क्या है कि एक तो रिलायंस वैसे ही प्रॉफिट में, ऊपर से गौतम अदानी जी का लॉस भी हुआ है। तो मुकेश अंबानी जो है नाउ ही हैज बिकम द रिचेस्ट इंडियन, ओके, रिचेस्ट इंडियन हु मुकेश अंबानी, और इन्होंने गौतम अदानी को रिप्लेस किया है इन द लिस्ट ऑफ हुरून। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने देखा है कि जो भी स्टेट पे ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ये हुरून लिस्ट के बारे में जरूर आता है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको याद हो जाना चाहिए कि हुरून लिस्ट में रिचेस्ट इंडियन मुकेश अंबानी है, इन्होंने गौतम अदानी को ओवरटेक किया है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको रटना है ये आंसर, आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, ये रट जाना है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज ये मार्क माई वर्ड्स, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम में, मार्क माई वर्ड्स। विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ब्रिंग होम इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल, और आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, समुद्र शक्ति या फिर नन ऑफ द अबव। जैसे आपको पता है कि इस टाइम इसराइल और हमस के बीच में वॉर चल रही है, सेंट्रल एशिया बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है इस टाइम, वॉर छिड़ी हुई है दोनों कंट्रीज में, मतलब जो हमस है ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, और अगर हम बेसिकली देखें तो वो दो कंट्रीज कौन है जिनके बीच ये वॉर है, तो है इसराइल एंड पैलेस्टीन। ठीक है, तो ये पैलेस्टीनियन हमस है, मतलब कि टेररिस्ट ग्रुप है ये, इन दोनों के बीच में बहुत भयानक वॉर छिड़ी हुई है, बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस है, उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा सिटीजन्स अपने भी फंसे हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है ताकि जो वहां पे हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वापस घर ले आया जाए, इंडिया ले आया जाए। ठीक है, देखिए ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फैक्ट्स के थ्रू करंट अफेयर्स को। इसमें सबसे पहले है पीएम पीस ट्रिब्यूट टू भारत रत्न नानाजी देशमुख ऑन 11th अक्टूबर। ठीक है, 11th अक्टूबर को नानाजी देशमुख जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इस दिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया है। और ये नानाजी देशमुख कौन थे, तो ये भारत रत्न अवार्डी थे। ठीक
ठीक है, अब मैं इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि इससे बीपीएससी में और बहुत ज्यादा सॉरी क्योंकि इससे बीपीएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो नाना जी देशमुख हो गया, एंड सेकंड मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं हिस्ट्री के वो जेपी नारायण से पूछे जाते हैं बीपीएससी में। बीपीएससी हो गया या बिहार का कोई भी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जयप्रकाश नारायण या फिर जेपी नारायण। इन दोनों लोगों के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दे रही हूँ, क्योंकि पीएम ने नानाजी देशमुख जो कि 11 अक्टूबर और लोकनायक जेपी नारायण, उनकी भी 11 अक्टूबर को ही बर्थ एनिवर्सरी होती है, उन दोनों को ट्रिब्यूट दिया है। ठीक है, तो नानाजी देशमुख का बताती हूँ कि ये इनका बर्थ जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। जेपी नारायण के टोटल रिवॉल्यूशन के पीछे देशमुख मेन फोर्स थे, मतलब कि जेपी नारायण ने एक कॉल दी थी फॉर टोटल रिवॉल्यूशन। टोटल रिवॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टोटल रिवॉल्यूशन कॉल किसने दी थी, तो ये दी थी जेपी नारायण जी ने, और इसके पीछे मेन फोर्स कौन थे, वो थे नानाजी देशमुख। यूपी के चित्रकूट में इन्होंने चित्रकूट ग्राम उदय विश्वविद्यालय स्टैब्लिश किया। किसने? नानाजी देशमुख की बात मैं अभी कर रही हूँ। चित्रकूट में इन्होंने चित्रकूट ग्राम उदय विश्वविद्यालय स्टैब्लिश किया, जो कि इंडिया के फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी है, और ये वहां के इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने, वीसी भी बने। ईयर 1999 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म विभूषण से। कौन से ईयर में? 1999 में। और 2019 में इनको भारत रत्न प्रोवाइड किया गया है, अवार्ड दिया गया है भारत रत्न नानाजी देशमुख को। कौन से ईयर में? 2019 में। अब हम पढ़ लेते हैं जेपी नारायण जी के बारे में। इनका भी बर्थ 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कहाँ पे? बिहार में। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बिहार के किसी भी एग्जाम में इनका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये गांधियन आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। 1929 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और टोटल रिवॉल्यूशन जो अभी मैं बता रही थी कि टोटल रिवॉल्यूशन की कॉल इन्होंने ही दी थी, और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। इनको भारत रत्न कब मिला है? तो वो ईयर 1999 में, जब नानाजी देशमुख जी को 1999 में पद्म विभूषण दिया गया था, तब उसी ईयर जेपी नारायण जी को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको फैक्ट्स ओरली बोले हैं ना, ये वर्ड बाय वर्ड आपको याद हो जाने चाहिए। आप याद कर लेना भले ही 2-3 बार सुन के, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इनसे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एड्रेसेस द स्टेशन कमांडर्स वर्कशॉप एट विशाखापट्टनम। ठीक है, देखिए ये फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। अगर जो बच्चे सीडीएस और एनडीए के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि विशाखापट्टनम में एडमिरल आर हरि कुमार, इस टाइम हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, उन्होंने स्टेशन कमांडर्स वर्कशॉप को एड्रेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्किल इंडिया टू ऑर्गेनाइज कौशल कॉन्वोकेशन टू फेलिसिटेट स्किल स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसा कि हमें पता है, हमने भी देखा है कि जब हम कॉलेज पास आउट करते हैं तो एक कॉन्वोकेशन हमारा कॉलेज रखता है, जहाँ पे हमें डिग्री दी जाती है ना, डिग्री प्रोवाइड की जाती है, मेडल दिया जाता है अगर हमने टॉप किया है। ठीक है, या रैंक होल्डर्स हैं अमंग टॉप 3, 1, 2 एंड 3, तो उस हिसाब से स्किल इंडिया ने भी जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स, उन्होंने स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग यहाँ पे ली है, तो उनको ऑनर करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए स्किल इंडिया ने कौशल कॉन्वोकेशन रखा। ठीक है, और स्किल इंडिया से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बता दूं कि इसको कब फॉर्म किया गया था, तो वो है ईयर 2015। ओके, 2015 में स्किल इंडिया को फॉर्म किया गया था, और 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करने के लिए, स्किल प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, ताकि उनको इंडस्ट्री बेस्ड जॉब मिल सके। जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनको प्रिपेयर किया जाता है कैंडिडेट्स को, ताकि उनको इंडस्ट्री बेस्ड जॉब्स मिल सके। ठीक है,
ये देखिए, ये है कौशल दीक्षांत समारोह, जिसको कि मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं कौशल कॉन्वोकेशन। ठीक है, स्किल को सम्मान, हैशटैग स्किल को सम्मान। ठीक है, इसको नरेंद्र मोदी जी एड्रेस करेंगे। कौन सी डेट को? आज करेंगे, 12 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में। ओके, देखिए दोस्तों, ये जो इमेजेस है ना, आज की थोड़ी ब्लर्ड हैं, क्योंकि पीआईबी में और इंडियन एक्सप्रेस में जो इमेजेस हैं इस बार ब्लर्ड ही अपलोड हुई हैं, इसलिए मैं भी यही अपलोड कर पा रही हूँ। वर्ल्ड साइट डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 12 अक्टूबर। ठीक है, वर्ल्ड साइट डे कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो वह है 12 अक्टूबर। और ये है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ अक्टूबर मंथ। अभी तक मतलब 12 अक्टूबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हम सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर मंथ की, वो मैंने एक जगह कंपाइल करके रखा हुआ है। आप इसको देखते चलिए, मैं पढ़ाते हुए चल रही हूँ, क्योंकि डेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि 1 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 10 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो वही है कि 1 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर को, जैसा आपको पता है, गांधी जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी होती है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को, लेकिन अगर हम देखें तो अगर गांधी जयंती है, डेट मीन्स डेट डील्स विद द नॉन वायलेंस, इसलिए 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाता है। 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे, एंड 5 सितंबर को हमारे मतलब नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, टू पे ट्रिब्यूट टू द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 7 अक्टूबर वर्ल्ड कोकोनट डे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड थ्राइस और 4 टाइम्स अबाउट वर्ल्ड कोकोनट डे, तो 7 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। 8 अक्टूबर को हम इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, आपने देखा होगा न्यूज पे प्रयागराज में। ठीक है, 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्टल डे। ठीक है, वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर, और नेशनल पोस्ट डे 10 अक्टूबर। ठीक है, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होएगा, पहले दुनिया आएगी फिर भारत आएगा, तो पोस्टल डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसलिए 9 अक्टूबर को पोस्टल डे, वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है, और 10 अक्टूबर को फिर नेशनल पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और 10 अक्टूबर को ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, एंड 11 अक्टूबर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया बीट्स अफगानिस्तान बाई 8 विकेट्स इन वर्ल्ड कप 2023। ठीक है, जिससे आपने मैच देखा होगा कल, या फिर अगर नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि कल इंडिया और अफगानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मैच था, जिसमें इंडिया ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। ठीक है, इसमें रोहित शर्मा ने 84 बॉल्स पे 131 रन्स बनाए। कितने? 131 रन्स। बहुत ही अच्छी इन्होंने बैटिंग की थी। ओके, तो इस तरह से हमने ये मैच जीता। इन आर्कटिक ओपन 2023, पीवी सिंधु प्रिवेल्स इन स्ट्रेट गेम्स अगेंस्ट फॉर्मर चैंपियन नोजोमी ओकुहारा। ठीक है, जिस तरह अभी आर्कटिक ओपन चल रहा है, 2023 का आर्कटिक ओपन चल रहा है, इसमें पीवी सिंधु जो हैं, उनके मैच हुआ था नोजोमी ओकुहारा से, जो कि फॉर्मर चैंपियन भी रह चुकी हैं। ये आर्कटिक ओपन है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड, इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स पूछे जाते हैं कि कौन सा ओपन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आर्कटिक ओपन बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, तो पीवी सिंधु ने नोजोमी ओकुहारा को अभी हराया है, और नोजोमी ओकुहारा ये जापान की हैं, ये फॉर्मर चैंपियन भी रह चुकी हैं बैडमिंटन की। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए। नाउ आरबीआई डायरेक्टेड बैंक ऑफ बड़ौदा टू सस्पेंड एनी फर्दर ऑन बोर्डिंग ऑफ कस्टमर ऑन द बॉब वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन। मीन्स बैंक ऑफ बड़ौदा का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको कि बॉब वर्ल्ड बोला जाता है। बॉब वर्ल्ड मीन्स बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड। ठीक है, तो आरबीआई ने डायरेक्ट कर दिया इस बैंक को कि आप कोई भी फर्दर आप कस्टमर को एड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आरबीआई ने डायरेक्टली ये मना किया है बैंक ऑफ बड़ौदा को। आरबीआई को इसलिए मना कर सकता है क्योंकि आरबीआई क्या है, आरबीआई इज नोन एज बैंकर्स बैंक, सारे बैंकों का बैंक होता है आरबीआई। ये मॉनिटर क्या करता है, इन्फ्लेशन को, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के थ्रू। ठीक है, क्योंकि
इसको बनाया गया था इन द ईयर 1935 विद द हेल्प ऑफ द एक्ट आरबीआई एक्ट 1934। ओके ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आरबीआई से रिलेटेड। ओके तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम का लिंक मैं लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो ये लिंक है, आप इस पे क्लिक करके हमारी फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।